नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। आप तो अभी अभी बाहर गए। कहाँ गए? उनकी बीवी उन्हें लेने आई थी। बीवी? जी, उनके बेटे की पढ़ाई के बारे में बात करनी थी। बेटा, ये तुम किसकी बात कर रहे हो? गोपी साहब की। बेटा, गोपी साहब का? मुझे पता नहीं था कि उनका बेटा भी है। काफी बड़ा है, अभी तो वो 5-6 साल का हो गया होगा। तुम मुझे इस गोपी साहब का एड्रेस बता सकते हो? अबे गधे, लगता है तू पढ़ने लिखने में बिल्कुल अपने बाप पे गया। देख के पढ़। अबे देख के पढ़। अरे आप चंदा? क्या है जी? माय वाइफ चंदा। आजा आजा, कम कम कम। माय सन मिस्टर टिंकू। हेलो चंदा, ये कमिश्नर साहब की बेटी। नमस्ते जी। स्काउंड्रल, ये किसे गाली दे रही है? डैडी, तुझे दे रही है, चल जा। You bloody cheat! Oh, मैम साहब, आप होंगी कमिश्नर की बेटी। इंग्लिश भी फड़ा फड़ा बोलती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी मर्द को उसकी बीवी के सामने गाली दो। Listen, I also know English. क्यों गोपी? बोलो बोलो, tell tell. Right right, 100% right चंदा। एक बदमाश के साथ जो सुलूक करना चाहिए, मैं वही कर रही हूँ। गोपी, what she saying? I do not talking English with English. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने गोल्ड चेन इनामी दी थी, तो तुमने सांप की तरह हाथ बढ़ाकर बड़ी शान से ली थी। तब तो तुम्हारी समझ बड़ी तेज थी। उसके बाद मैंने सड़क पर आई लव यू कहकर आप भी मारी थी। गोपी, तब भी तुम्हारी समझ काम कर रही थी। एक मिनट, आखिरी बात जो आपने आंख मारने वाली बताई है, तो आंख मारने तक ही रही थी या आगे भी कुछ? बकवास बंद करो। मैं मॉडर्न लड़की जरूर हूँ, लेकिन अपनी मर्यादा जानती हूँ। और तुम तो अपने हद से आगे ही निकल गए। शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे के बाप होने के बावजूद, तुम्हें कमिश्नर की कुंवारी बेटी ही मिली इश्क लड़ाने के लिए? बेशरम कहीं के। चंदा, इनकी अभी तक की बातों से तुम्हारे पल्ले पड़ता है कि मामला क्या है? आई एम अंडरस्टैंडिंग लिटिल लिटिल गोपी। चंदा, अगर मैंने फौरन सारी बातें खोल के मैडम को नहीं बताई, तो मेरा आज दोपहर का खाना घर पे नहीं, हवालात में खाना पड़ेगा। हाय, हे भगवान, तब तक मुझे सब कुछ बता दीजिए जी। थैंक यू डार्लिंग। मैम साहब, आपका मुझ पे गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। भला बुरा जो भी आपने मुझे कहा, उसमें भी पॉइंट है। लेकिन आपको प्यार में धोखा देकर भाग जाने वाला मैं नहीं, कोई और है। अच्छा, अपनी सीधी सादी भोली भाली बीवी को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे झूठा ठहरा रहे हो? अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आपको धोखा देने वाला मैं नहीं, मेरा ही एक हमशक्ल है। से मक्कारी करने वाले को जब तक मैं अपने हाथों से हवालात में बंद करके दो तमाचे नहीं मारूं, तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। देर युवा, ऐसा ही करना। आज ही उसने मुझे क्लब में मिलने का वादा किया है, मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। जस्ट अ मिनट मैडम, मेरे पति कितने काबिल है ये तो आप जानती होंगी, फिर भी उस बदमाश को नहीं पकड़ पाए। और फिर आप तो ठहरी लड़की जात, आप अकेली क्या कर पाएंगी? इसीलिए आप मेरे पति का साथ लेकर जाइए। लेकिन आपके पति और इस बदमाश का चेहरा एक ही जैसा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन? That you don't worry, madam. My पति not coming in this dress. वो तो दूसरी ड्रेस पहनकर आएंगे। ये! अरे मैंने तो तुम्हें
थम्स अप में बेहोशी की दवा डाल दी थी ना, मैं उसे पी नहीं रहा था, सिर्फ पीने का बहाना कर रहा था। क्या? तुमसे पहले भी अकेले में कुछ बात करना चाहता था, आज वो मौका खुद तुमने मुझे दे दिया। गोपी, मैं कुछ मुजरिमों को उनके किए की सजा दिलवाना चाहता हूँ, बस जब तक मेरा ये काम पूरा ना हो जाए तुम पहले की तरह चुपचाप घर में बैठे रहना। शाबाश, मैं असली हूँ और तुम नकली हो, और तुम कह रहे हो कि मुजरिमों को सजा तुम दिलवाओगे, क्या मैं उल्लू का पट्टा हूँ? गोपी, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं जानता हूँ कि बचपन से लेकर जवानी तक मेरी जिंदगी जेल में गुजरी, लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने सजा भी उस जुर्म की काटी जो मैंने की नहीं। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें सताया, तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी कुर्सी और तुम्हारी वर्दी का इस्तेमाल किया, लेकिन गोपी, अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए मेरे पास तुम्हारी वर्दी के सिवा दूसरा चारा भी तो नहीं था, मगर तुम्हारी ही तरह वो भी मेरी असलियत जान चुके थे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वो तुम्हारा खून कर देंगे और इल्जाम अपने आप मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं तब भी नहीं माना, मगर जब उन्होंने तुम्हारे बच्चे टिंकू को अगवा कर लिया तो उस नन्हे से बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे मजबूरन उनका साथ देना पड़ा। कहानी तो तुम बहुत बढ़िया बना लेते हो मिस्टर डुप्लीकेट, हैं? लेकिन यह कहानी किसी गांव के चोटी वाले भैया को सुनाओगे ना तो वो यकीन कर लेगा। मुझ जैसा पुलिस वाला नहीं। देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ 3 तक गिनता हूँ। रिवॉल्वर फेंक दो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना। गोपी, मैडम आप फौरन पुलिस को फोन कीजिए। रुक जाओ, मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन चुकी हूँ और मेरा दिल कहता है कि ये आदमी गलत नहीं है। बेड़ा गर्क। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो आदमी बुरा हो ही नहीं सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अब भी आपके पिताजी यानी हमारे कमिश्नर साहब के पास जाकर आप दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। होल्ड इट, सुन दो, वरना मैं शूट कर दूंगी। अब इसका क्या किया जाए? ये तो सोचने का बहुत बड़ा पॉइंट है।